देखिए, कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय का दूसरा जो सेट पेपर है वो हम लेकर आ चुके हैं। उत्तर सहित आपको इस सेट पेपर में आंसर बताए जाएंगे। ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। इसके पहले हमने एक सेट आपको बता दिया है, आज सेट सेकेंड का नंबर है, इसके बाद में थर्ड और फोर्थ सेट बताया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, देखिए आपको यहाँ पर याद रखना है, समग्र का अध्ययन किया जाता है और समग्र का मतलब होता है संपूर्ण। जैसे मान लीजिए एक देश है तो उस देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो जो क्षेत्र आते हैं सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र में आप सामने याद रखेंगे समग्र का या संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद औसत लागत वक्र का आकार होता है तो जेड अक्षर जैसा होता है। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ती है, ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया, मतलब जो समष्टि अर्थशास्त्र है ना वो कब अस्तित्व में आया, तो इसके उत्तर में आपको लिखना है 1929 के बाद, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है, तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज करेक्ट याद रखना है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है 1949 में हुआ था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर फोर। निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं, तो जो निवेश के निर्धारक घटक होते हैं वो पूंजी की सीमांत क्षमता भी है, ब्याज की दर भी है। इसका मतलब हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, आ और बा दोनों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब सभी रिक्त स्थान आपको मैं बता रहा हूँ, एक एक को आप क्या करेंगे अच्छे से लिखकर याद कर लेंगे, ठीक है। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जो लिंक है वो मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, और टेलीग्राम का नाम ये है, ठीक है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की जो आपकी PDF है वो PDF मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप भी। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति में फर्स्ट वाला छोटे छोटे चरों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है छोटे छोटे चरों का अध्ययन। ऊंची तटस्थता वक्र स्तर की संतुष्टि दर्शाती है, तो इसमें उच्च आएगा, उच्च स्तर की संतुष्टि दर्शाती है। पूर्ति नियम वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, तो नाशवान वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, किस प्रकार की प्रतियोगिता, तो उसमें आपको याद रखना है पूर्ण प्रतियोगिता। आर्थिक महामंदी में उत्पन्न हुई, आर्थिक महामंदी कब उत्पन्न हुई थी, तो 1929 में उत्पन्न हुई थी, 1929 में। किन्स का रोजगार सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित है, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए, इसको आप कंप्लीट करेंगे। देखिए, मांग के आवश्यक तत्व, तो मांग के आवश्यक तत्व 5 होते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्थानापन्न वस्तुएं, तो कार और पेट्रोल ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। वस्तु की पूर्ति, तो यहाँ पर उत्पादक के द्वारा वस्तु की पूर्ति की जाती है। साम्य कीमत, तो इसमें आपको याद रखना है मांग बराबर पूर्ति। भारत में बजट की स्वीकृति, तो यहाँ पर आपको याद रखना है लोकसभा, ठीक है। और रक्षा पर व्यय, तो इसमें आपको याद रखना है गैर योजनागत व्यय इसमें आएगा। तो ये आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट होती है। अब सही जोड़ियों के बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये आप अभी याद करेंगे। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी, देखिए जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी ना, तो जो कुल उपयोगिता है वो अधिकतम हो जाएगी, ऐसे आपको याद रखना है अधिकतम। इसके बाद सेकंड देखिए, प्रति इकाई लागत को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बाजार के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष के लिए की जाती है, एक वर्ष। इसके बाद में नेक्स्ट आप ध्यान देंगे, समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्टॉक बोला जाता है। किसने कहा पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है, किसने कहा था, ये कहा था जे.बी. सेन ने कहा था।
उपभोग फलन का समीकरण क्या है? तो उपभोग फलन का जो समीकरण है वो होता है, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सी बराबर एफ बटे वाई। ठीक है, ये आप इसमें लिख देंगे। अब इसके बाद में सत्य असत्य बताइए। देखिए, उपभोक्ता संतुलन बराबर सीमांत उपयोगिता माइनस मूल्यह्रास, ये करेक्ट है। उत्पादन बंद कर देने पर स्थिर लागतें शून्य हो जाती है, तो ये भी करेक्ट है। साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है, तो आपका ये भी सत्य है। मांग, समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अंतर स्फीतिक अंतराल कहलाता है, तो ये भी आपका करेक्ट है, बिल्कुल 100%। रिकार्डो ने प्रतिपादित किया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित करती है, तो आपको यहाँ पर ये भी आपको सही बताना है, करेक्ट है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सत्य। और ये लास्ट वाला असत्य है आपका, विनिमय दर के निर्धारण में पूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, तो महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है। तो ये एक असत्य है, बाकी आपके जितने भी दिए हैं सभी क्या है, सभी आपके सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे, और बाकी ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं सारा पीडीएफ हम उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार और, वैसे एक बार मैंने आपको बता दिया था, मेंस एजुकेशन, इससे आप ज्वाइन हो जाइए। और जैसे ही आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सभी जो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ सारे के सारे पेपर, और आंसर जो है वो आंसर भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में। इस वीडियो को पूरा देख के वैसे भी आंसर आप कंप्लीट कर सकते हैं।